हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 21 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 21 हमारे मौलिक अधिकार के राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये अनुच्छेद आता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 में ये बताया गया है कि किस तरह से जैविक और प्राण की स्वतंत्रता की जाती है, यानी राइट टू प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये अनुच्छेद में बहुत सारे अधिकार यहाँ पे आम नागरिक के साथ साथ जो भारत के नागरिक नहीं है, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। उनको भी ये अनुच्छेद यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जो भी बेसिकली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारत के क्षेत्र के में रह रहे हैं, ये आर्टिकल उन सभी लोगों को अधिकार देता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आर्टिकल 21 की अगर हम लोग बात करें, इसमें बहुत सारे अधिकार यहाँ पे आम नागरिक को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्राण लाइफ से रिलेटेड जितने भी अधिकार हैं वो सारे अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। भारत में जब भी आपातकालीन लगता है तो हमसे फंडामेंटल राइट, सारे फंडामेंटल राइट हमसे छीन लिए जाते हैं, सिवाय दो फंडामेंटल राइट के, जिसमें एक आपका आर्टिकल 21 भी है जो हमसे सीना नहीं जाता है, ये ध्यान में रख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दो, चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो दो अनुच्छेद कौन से हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे, आपातकालीन के टाइम पे हमसे नहीं छीने जाते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 की बात करें तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ से संबंधित है यानी प्राण की स्वतंत्रता से संबंधित है, एंड पर्सनल लिबर्टी यानी दैहिक स्वतंत्रता की बात यहाँ पे कही जा रही है, आज़ादी की बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे कहा गया है कि 21 ये बतलाता है, ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन किस अपने लाइफ को लेकर के या अपनी आज़ादी को लेकर के जो वो वंचित नहीं रह सकता है प्रोसेसर इस्टैब्लिश बाय लॉ के अंतर्गत। इस पर प्रोसेसर इस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या हो गया कि संसद के द्वारा कोई भी कानून अगर पारित हो गया है तो उसको कोई भी बदल नहीं सकता, उसको कोई, उसके तहत कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रोसेसर इस्टैब्लिश बाय लॉ, ये वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है यूके से, याद रखिएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ये वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है यूके से, और उस कानून के तहत जो पास किया गया है संसद से, उससे हमें किसी भी तरह का कोई भी वंचित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमारे लाइफ से संबंधित है और एक पर्सनल लिबर्टी से भी संबंधित है। तो किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा, ये साफ बात यहाँ पे कही जा रही है। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल 21 है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अधिकार आम नागरिक के साथ साथ जो भारत के नागरिक नहीं भी हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। बहुत सारे अधिकार जो हैं वो हम लोग को आर्टिकल 21 के तहत हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। एक पूरा लिस्ट है, 35 अधिकार की लिस्ट है जो भारत के नागरिक के साथ साथ जो नॉन सिटीजन भी है भारत के, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये एक लाइफ से रिलेटेड आपका आर्टिकल है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, उसी से रिलेटेड है। अब कौन कौन से राइट्स की मैं बात करूं अनुच्छेद 21 के तहत, कौन कौन से राइट्स भारत के नागरिक के साथ साथ जो भारत के नागरिक नहीं है उनको ये प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें आप देख सकते हैं, तो टोटल 35 अपॉर्चुनिटीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, 35 टोटल राइट्स है जो इसके अंतर्गत आते हैं, जो हमसे, हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ये 35 के 35 अनुच्छेद जो है वो बहुत ज़्यादा, सॉरी, एक 35 के 35 जो अधिकार है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और ये जो राइट्स है, ये राइट्स एक तरीके से हम लोगों को एक यहाँ पे भारत की जमीन पर, भारत के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, निजता का अधिकार से बात कर रहा हूँ, फिर राइट टू फ्री एजुकेशन आप देख सकते हैं, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार को लेकर के बात कही जा रही है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई हजार्डस इंडस्ट्रीज हो गया, जैसे बम वगैरह का इंडस्ट्रीज हो गया, विस्फोटक इंडस्ट्रीज हो गया, उससे रिलेटेड यहाँ पे अधिकार जो है वो हमें यहाँ पे स्वच्छ पर्यावरण को बनाने को लेकर के बात कही जा रही है। प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार भी इसमें इंक्लूड किया गया है,
देख सकते हैं। इसके साथ साथ जीवन रक्षा का भी अधिकार हमें यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसी के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे और भी चीजें हैं, बहुत बारीकी से देखिएगा। राइट टू फेयर ट्रायल के बारे में बात कही जा रही है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का भी अधिकार जो है वो इसमें दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे और भी राइट टू इंफॉर्मेशन RTI, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा RTI से रिलेटेड चीजें, तो ये भी, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, ये सभी के सभी राइट जो है, ये सूचना का अधिकार जो है वो भी इसमें आप देख सकते हैं, ये राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारे जितने भी राइट्स हैं, इन राइट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, देख लीजिए कौन कौन से चीज़ें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो से यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ ये भी राइट्स आप देख सकते हैं, ये भी राइट्स इसी के ही अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें जो है, राइट टू स्लीप भी आप देख सकते हैं, शयन का अधिकार हो गया, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पॉल्यूशन, और विद्युत बिजली का अधिकार भी आप देख सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, ये सारे राइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके अनुच्छेद 21 के तहत आते हैं। विदेशी यात्रा करने का अधिकार, मेनका गांधी केस आप लोगों ने सुना होगा, गोपालन केस आपने सुना होगा, गोपालन केस 1950। देखिए ऐसा नहीं है कि गलतियाँ किसी से नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हुई है, और वो भी कि उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है। जैसे गोपालन केस था, इसको बहुत डिटेल में आप लोगों ने पॉलिटी में कवर किया होगा, गोपालन केस 1950 में आया था, उसमें उसने उस उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थोड़ी सी नैरो तरीके से इसको सुनवाई कर दी गई थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को सुधारा था, उसने अपने जजमेंट को करेक्टिफाई किया था। मेनका गांधी केस में जो कि 1978 में आया था, 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को सही किया था कि हाँ उनसे गलती हुई थी गोपालन केस में, और वो उन्होंने अपने गलती को सुधारा था मेनका गांधी केस में। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अगर पॉलिटी में इसको डिटेल में पढ़ा होगा तो देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। तो ये सारे राइट्स को थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये अनुच्छेद बहुत अच्छे से आपको कवर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों को ये एक आर्टिकल का सीरीज चल रहा है, जिन लोगों ने प्रीवियस आर्टिकल्स नहीं देखे हैं, तो ऊपर में आपको प्लेलिस्ट आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप 1 से लेकर के 21 तक आर्टिकल्स आप कवर कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक आर्टिकल को वहाँ पर डिटेल में बताया गया, उसके नोट्स बनाते हुए चलेगा, एक तरह से आपका रिविजन भी होता हुआ चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।